नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल अभी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। आप सब जानते हैं कि देश में आम चुनाव होने में अभी 2 साल का वक्त है, लेकिन सियासी घमासान अभी से एक तस्वीर बनाने लगा है। अभी से जोर पकड़ रही है सियासी हवा। भाजपा से नाता तोड़कर RJD संघ सरकार बनाने के बाद बिहार के CM नीतीश कुमार दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। पिछले 3 दिनों से काफ़ी संभावनाएं टटोल के गए हैं और एक महागठबंधन की उनकी शुरुआत है। विपक्ष को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। करीब करीब 1 दर्जन से ज़्यादा नेताओं से वो मिल चुके हैं। हालांकि नीतीश ये ज़रूर कह रहे हैं कि उनको इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बड़ा अच्छा रिजल्ट निकलेगा आने वाले दिनों में, लेकिन कांग्रेस के बगैर विपक्ष का कोई चेहरा नहीं है। समझ लीजिए कि कोई मायने नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले। हालांकि नीतीश कुमार राहुल गांधी से भी मिले हैं। अच्छा, विपक्षी खेमे में सबसे मजबूत अपनी पोजीशन रखने वाली कांग्रेस ने अभी कोई भी तस्वीर साफ नहीं की है। 2 क्षेत्रीय दल ऐसे हैं जो कांग्रेस के साथ मंच साझा करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उन दोनों ही पार्टियों के प्रमुख CM प्रोफाइल में अपने आप को देख रहे हैं। लिहाजा फिलहाल ये कहना बेहद मुश्किल है कि नीतीश अपने ये जो इनका दौरा था, जो इनका ये ट्रस्ट था दिल्ली में, उसमें ये पास हो पाए हैं या नहीं, जो मिशन लेकर के आए थे उसमें वो कामयाब हो पाए हैं या नहीं। विपक्षी एकता का सेहरा अपने सिर पे बांध करके वो ये दावा कर रहे हैं कि मैंने एक किला फतेह कर लिया है। दरअसल मौजूदा हाल में ये जो सीन चल रहा है, विपक्षी दल PM मोदी के खिलाफ हैं, लेकिन विरोध की ये आवाज़ एकजुटता भरी सुनाई नहीं देती है। इसे एक मंच में लाना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है। मतलब जितने भी आप फेस देखते हैं हर दिन, इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत मुश्किल है। हर दूसरे नेता की ख्वाहिश जो है PM बनने की है। हर पद का उम्मीदवार ये सोच रहा है कि कल को इलेक्शन होंगे और PM मैं बनूंगा। नीतीश कुमार और शरद पवार जैसे नेता अगर इस रोड़े को हटाने में कामयाब हो गए तो ये जो आगामी लोकसभा चुनाव है 2024 का, तब हो सकता है कि मोदी के लिए कोई चुनौती सामने आ जाए, कोई मतलब एक महागठबंधन सच में बन जाए। लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत ही क्षीण है। जो राजनीति के एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात अगर गौर करें, उनकी बात पे, तो लोकसभा की 274 सीटें ऐसी हैं जो BJP शासित राज्यों में है, यानी कि वहाँ BJP की जो मेन लड़ाई है वो क्षेत्रीय दलों से होती है। लेकिन विपक्ष के एकजुट न होने और अलग अलग चुनाव लड़ने की वजह से वोटों का जो बंटवारा हो जाता है उसका सारा फायदा BJP ले जाती है। पिछले जो चुनाव हुए हैं उसकी तस्वीर यही बताती है। अब अगर विपक्ष साथ मिल करके चुनाव लड़ता है तो ये सीटें जाहिर सी बात है एक गेम चेंजर साबित हो सकती हैं, लेकिन संभावना ना के बराबर है, क्योंकि सबके अपने अपने टारगेट हैं कि वो अगर ये करते हैं तो वो अपने आप को PM के प्रोफाइल में देखते हैं। एक और बात है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 52 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2010 सीटों पर वह दूसरे नंबर पर रही थी। यानी कि कुल 262 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और BJP में सीधा मुकाबला था, यानी कि लोकसभा की कुल सीटों में से तकरीबन आधी सीटों पर 2024 में दोनों बड़ी पार्टियों में सीधा मुकाबला होने वाला है। ऐसी संभावनाएं अभी से बनती हुई दिख रही हैं। इसलिए कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता की सारी कवायद बहुत कमजोर लगती है।
आज यानी कि बुधवार को एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और नीतीश कुमार की मुलाकात में भी दोनों नेताओं ने काफ़ी सिरदर्दी की, काफ़ी सोच विचार किया। एक तरफ जहां कांग्रेस को मनाना है तो वहीं किसी छोटे क्षेत्रीय दल की नाराजगी भी भारी पड़ सकती है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि किसी भी छोटे क्षेत्रीय दल की नाराजगी जो है झेलना बड़ा मुश्किल होता है। लोकसभा में सबसे अधिक सीटों के कारण पीएम पद के उम्मीदवार पर कांग्रेस अपना दावा करेगी। बेशक नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वे पीएम नहीं बनना चाहते हैं, उनका मकसद केवल एक फ्रंट पे, एक प्लेटफॉर्म पे सबको लाना है। लेकिन शरद पवार ने फिलहाल इनकार नहीं किया है। और फिर दो नाम और हैं जो पीएम प्रोफाइल की पे अपनी दावेदारी कर रहे हैं, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के बयानों पर अगर हम गौर करें, ये पिछले दिनों से जो वो बोलते चले आ रहे हैं, तो आप ये मानेंगे कि वे भी इस दौड़ में शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तो ऐलानिया तौर पर ये कहना शुरू कर दिया है कि केजरीवाल एकमात्र ऐसे नेता हैं, ऐसा चेहरा है जो 2024 में बीजेपी को मात दे सकते हैं, पटक नहीं दे सकते हैं। इसलिए विपक्षी एकता का पूरा ताना बाना तो लगता है कि एकदम से उलझा हुआ है, उसका कोई सिरा नजर नहीं आ रहा। विपक्ष इसमें जितनी देरी करेगा उतना ही उसको लॉस होगा। हालांकि पवार से हुई मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने ये जरूर कहा है कि चुनाव साथ लड़ेंगे तो देश के विकास के लिए ये अच्छा रहेगा, हमारा एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। जाहिर सी बात है अगर एकजुटता बनती है तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा अपना पर्सनल कुछ नहीं है, एक मकसद है कि सब लोग एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। यानी कि वो सबको इस चीज़ के लिए मना रहे हैं कि बीजेपी से अगर लड़ना है तो सबको एक मंच पे आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सवाल वही है कि मंजिल जब सबकी एक है तो उसी रास्ते पे मिलकर आगे बढ़ने में क्यों अपने माइंडसेट को नहीं लगा रहे, क्यों उनमें इतना अहंकार आ रहा है, क्यों वो एक रास्ते में नहीं चल रहे हैं। बहुत सारी और भी दिक्कतें हैं, जैसे कि आप राहुल गांधी को ही लें, वो अपने पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन न जाने क्यों लोगों को ये लगता है कि अगर कोई संभावना बनती है तो वो पीएम पद के लिए ज़रूर अपना चेहरा आगे कर देंगे। बहुत सारी ऐसी संभावनाएं अभी छिपी हुई हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। फिलहाल सियासी हवा काफ़ी जोर पकड़ रही है, हालांकि अभी वक्त काफ़ी है। और ये भी पहली बार हो रहा है कि अभी 2 साल का लगभग समय बाकी है और विपक्ष जो है अभी से अपने आप को स्टाउट कर रहा है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है भाजपा को टक्कर देने के लिए। तो दोस्तों ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। और एक बात, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, लाइक का बटन दबाइए। और बहुत अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आपसे मैं फिर मिलूंगी। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।